टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ फॉर क्लास 6। आज हम लोग सेकंड क्लास देखेंगे जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एस्टीमेशन। एस्टीमेशन एस्टीमेशन में अगर ऐसा पढ़ा जाता है आज क्लास में लगभग 20 बच्चा पढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है 30 से कुछ कम हो, 30 से ज्यादा हो, लेकिन ये 25 से ज्यादा हो लेकिन 35 से नीचे हो। तो इसमें हम बेस मान के चलते हैं 5 को। तो एस्टीमेशन में हमको सबसे पहले पढ़ना है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एग्जांपल में ऐसा बोल दिया जाए 23 का नियरेस्ट है, तो इसमें वन डिजिट क्या है? 3। 10 डिजिट 2। हम लोगों को इसका नियरेस्ट निकालना, तो इसका 2 का नियरेस्ट, 10 का नियरेस्ट 10 निकालना। उससे पहला वाला जी वन प्लेस डिजिट बनाना क्या है? वन प्लेस डिजिट बराबर 3 है, 3 जो कि 5 से छोटा है। तो कभी भी नंबर अगर 5 से छोटा होगा तो जिसका हम लोग नियरेस्ट निकालना है वो एक बढ़ जाएगा, यही वही रहेगा। जिसका नियरेस्ट निकालना वो वही रहेगा और वन प्लस डिजिट 0 हो गया, 0 हो जाएगा। तो नियरेस्ट इन ऑफ नियरेस्ट 10 ऑफ 23 वन प्लस डिजिट क्या हो जाएगा? 0। और यह 5 से छोटा है इसलिए ये वाला 10 प्लस डिजिट वही रहेगा। अगर इसी को दूसरा एग्जांपल ऐसा बोला जाए 100 328, इसका नियरेस्ट निकालना, तो वन प्लस डिजिट क्या है? हम लोग नियरेस्ट 2 का निकालना है, वन प्लस डिजिट 8 है जो कि 5 से क्या है? बड़ा है। तो इसका नियरेस्ट इन ऑफ 328 बराबर, यानी ये 5 से, 1 प्लस डिजिट 5 से बड़ा है तो ये 2 है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो नियरेस्ट इन इसका हो जाएगा 10 प्लस डिजिट 2, तो 3 हो जाएगा, 3 3 0। अगर कभी ऐसा है कि 1 प्लस डिजिट जिसका भी हम लोग नियरेस्ट इन निकाल रहे हैं उससे पहले वाला 5 हो, तो वहां भी जैसे एग्जांपल के लिए नियरेस्ट इन ऑफ 8 3 8 4 5 वन प्लस डिजिट डिजिट 5 है जो कि 5 के बराबर है। जब वन प्लस डिजिट 5 के बराबर है फिर भी इसको नियरेस्ट 10 जो निकलेगा इसका नियरेस्ट 10 ऑफ 845 यानी 5 के बराबर है फिर भी 10 प्लस डिजिट में एक बढ़ेगा 850 यानी 5 भी रहे। नियरेस्ट 10 जिसका भी नियरेस्ट होगा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट निकाले उससे पहले अगर 5 रहे फिर भी नियरेस्ट वाला नंबर एक बढ़ेगा। अब नियरेस्ट 100 किसी भी डिजिट का नियरेस्ट 100 निकालते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 7 6 8, तो इसका नियरेस्ट 100 110 100 इसका नियरेस्ट निकालना है। इससे पहले वाला डिजिट क्या है? 6 यानी 10 प्लस डिजिट बराबर
10 प्लस डिजिट बराबर 6, विच इज ग्रेटर देन 5। विच इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या कि 1 प्लस 10 प्लस डिजिट नेरेस्ट 10 ऑफ 768 बराबर 10 प्लस डिजिट 5 से बड़ा है, यानी 100 प्लस डिजिट में 8 बढ़ेगा तो 7 है तो 8 हो जाएगा, बाकी बचा नंबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह से आगे, इसी तरह से ऐसे मेरे क्वेश्चन भी ऐसे होगा। नेरेस्ट थाउजेंड में हमको देखना होगा 100 प्लस डिजिट, अगर 100 प्लस डिजिट 5 है तो 100 प्लस डिजिट को देखेंगे, 100 प्लस डिजिट में अगर नेरेस्ट थाउजेंड एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 6, 8 इसका नेरेस्ट थाउजेंड निकालना, तो 100 यानी इसका 100 प्लस डिजिट, 100 प्लस डिजिट डिजिट 4 जो कि 5 से क्या है छोटा है, इसीलिए नेरेस्ट थाउजेंड बराबर 3, 4, 6, 8 बराबर, या 5 से छोटा है यानी नेरेस्ट थाउजेंड इसमें नहीं बनेगा, यानी 3 का 3 रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसको क्या करना है इसको रिवीजन कर लेना। थैंक यू।